तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 और 2 को डिस्कस किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों यूनिट के क्वेश्चन के आंसर को आपने तैयार कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ कितने स्टूडेंट जो है वो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को पढ़ रहे हैं। ओके, तो यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, तो टोटल 25 क्वेश्चन होंगे आपके आपके कंप्लीट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो उनको जल्द से जल्द आपको कवरअप करने की जरूरत है, और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ इनको तैयार करने की आपको जरूरत है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है, जिसका है डिफाइन द मैक एड्रेसिंग। यानी आपका मैक एड्रेसिंग क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, जितने भी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स का क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करना है। और अगर आपको इसका आंसर चाहिए, तो आंसर के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कीजिएगा, वहां पे आप जाइएगा। नोट्स वगैरह सारी चीजों को मैंने दिखाया है, हर एक चैप्टर वाइज नोट्स को मैंने दिखाया है। उस चैप्टर वाइज नोट्स को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं, उनके आंसर को लिख सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने नोट्स को एक्सेस किया, उनके लिए तो कोई दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं है, उनको सारा जो चीजें हैं वो डायरेक्टली नोट्स में मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके इंटरफेस पे, स्लॉटेड अलोहा एंड द प्योर अलोहा। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों जो अलोहा होते हैं, इन दोनों अलोहा के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर फिगर विद एक्सप्लेनेशन, जितने भी चीजें हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको इसका देना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछे जाते हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना है। और जितने भी 5-5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है, तो इनको आपको कम से कम एग्जामिनेशन से पहले करके जाना है। थर्ड क्वेश्चन आपका है CSMA CD एंड द CSMA एंड द CSMA CA। ये तीनों जो आपका कह सकते हैं एड्रेसिंग मोड है, ये तीनों एड्रेसिंग मोड काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर है। इन दोनों तीनों में से कम एक तो आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो तीनों में से एक आपका आएगा, तो आपको अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना है। जिस भी मेथड से आप तैयार करना चाहें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नोट से ही तैयार करना है, आप गूगल भी कर सकते हैं चीजों को, या फिर अगर आपके कॉलेज में लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए हैं, नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उनके मदद से भी इन चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं, इन चीजों को लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल क्या होता है, क्लोजिंग जो आपका कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल है किस तरीके से यूज होता है, कौन कौन से उसमें टर्म्स यूज होते हैं, क्या इसका एडवांटेजेस होता है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है उन सारे पॉइंट्स को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, IEEE स्टैंडर्ड 802 सीरीज। यहाँ दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में यूज होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है ये, तो इसको भी आपको कवरअप करके जाने की जरूरत है। और यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए, ताकि वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी अपडेट आता है वो टेलीग्राम के माध्यम से आपको उन चीजों को देख सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं। थैंक यू।